हाय ब्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करूंगी जो बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट का काम करती है। हज़ारों पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप घर पर ये क्रीम बनाकर हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। ये एक कैरेटिन क्रीम की तरह ही होती है जिसे हम घर पर बना सकते हैं और अपने बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्याली राइस लेंगे। राइस के बिना ये क्रीम अधूरी है। राइस इज़ कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस क्रीम। राइस में हाई प्रोटीन और बहुत से मिनरल्स होते हैं जो हेयर बूस्ट के लिए है, हेयर फॉल के लिए, हेयर को स्मूथ बनाने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए और डैमेज हेयर के रिपेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इज़ साबूदाना। साबूदाना में स्टार्च होता है जो बालों पर लगाने से इसकी चमक बढ़ती है। इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड होता है जो हेयर फॉल को कम करता है और बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। हेयर फॉल, डैमेज बाल और डैंड्रफ वगैरह अगर आपके बालों में है तो इसे यूज़ करके हम ये सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है सिया सीड। इस सीड में कॉपर, मिनरल्स और आयरन होता है जो बालों को मजबूत करता है। अगर आपके बालों में हेयर ग्रोथ नहीं है तो ये यूज़ करने से आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है। अगर आपके बाल में शाइन नहीं है तो इसे यूज़ करके शाइन हो सकती है। ये बालों की जड़ों को बहुत ही मजबूत करता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स में बहुत से मिनरल्स हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको एक पैन लेना है, उसमें सिया सीड्स, साबूदाना और राइस सबको मिक्स करना है और एक गिलास पानी डालकर इसे हमें बॉईल करना है। इन सारे बीजों में कुदरती तौर पर बहुत से मिनरल्स होते हैं जो हमारी बालों के लिए या स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको सिया सीड्स और साबूदाना जब बॉईल होते हैं तो एक जेल प्रोड्यूस होने लगता है। वो जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही कम होते जा रही है। आपको इस तरह से गाढ़ा लिक्विड तैयार करना है। इसे ठंडा करके हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसका बारीक पेस्ट बनाना है और इसे अच्छे से छान लेना है या एक कपड़े की मदद से हमें इसे इसका जो जेल है वो अलग कर लेना है। एक बाउल में आपको ये सारा जेल अलग करना है। इसमें हम एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल हम इसमें ऐड करेंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे अपने बालों पर लगाएंगे और 15 से 20 मिनट इसे बालों पर अपने रखना है और इसे वॉश कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि इस आपके बालों में कितनी शाइन आ जाती है। इसे आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको इसको फ्रीज करना है और स्टोर करना है और कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।